और राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हंगामा हुआ है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ प्रमुख का नाम लिया। ऐसे में फिर बोले कि संघ नेता मोहन भागवत सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए संघ प्रमुख का नाम रिकॉर्ड से हटाने का उन्होंने अनुरोध किया है। और इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई। तो आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन को फटकार लगाते दिखे स्पीकर। इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे बयान के लिए नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद हंगामा होता देखा और राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हंगामा हुआ है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ प्रमुख का नाम लिया। ऐसे में फिर बोले कि संघ नेता मोहन भागवत सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए संघ प्रमुख का नाम रिकॉर्ड से हटाने का उन्होंने अनुरोध किया है। और इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई। तो आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन को फटकार लगाते दिखे स्पीकर। इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे बयान के लिए नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद हंगामा होता देखा और राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर हंगामा हुआ है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ प्रमुख का नाम लिया। ऐसे में फिर बोले कि संघ नेता मोहन भागवत सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए संघ प्रमुख का नाम रिकॉर्ड से हटाने का उन्होंने अनुरोध किया है। और इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई। तो आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन को फटकार लगाते दिखे स्पीकर। इसी पर स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे बयान के लिए नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद हंगामा होता देखा। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जानिशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।